वेल जेंटलमैन, तो आज से कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, ओके, तो मुझे डे भी रिमेम्बर है, वो 14 अगस्त 15 अगस्त की है, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था उस दिन, उस पर बहुत सारे व्यू थे, ठीक है, यानी व्यूज़ थे उस पर बहुत, वो वीडियो वायरल होगी, ठीक है। मतलब वो उस टॉपिक का नाम था, उस वीडियो का टॉपिक का नाम था कि डाइवोर्स क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उसकी ना पहले आप थोड़ी सी हिस्ट्री सुनो। तो मैं और एक मेरा फ्रेंड बैठे थे, यानी एक क्लाइंट थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि यार एक ऐसा मतलब लोगों को वो दिखाया जाए कि ताकि ना लोग डाइवोर्स के प्रति ना इतना प्रभावित हो। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया मेंटेनेंस का, तो बता दिया। तो कुछ समझदार लोग थे जो बेचारे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो तो समझ गए इस बात को। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि भाई डाइवोर्स ना लें तो क्या करें यार, ये है वो है, मतलब क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है। तो एक बंदे ने तो ये भी बोल दिया कि बिना सेक्शन के आप लॉ पढ़ा रहे हो ये। तो देखो भैया, हम लॉ नहीं पढ़ाते यार, हम अवेयरनेस करते हैं लोगों को, ताकि यार फैमिली मैटरों में या फिर कोई दिक्कत ना हो लोगों को, ठीक है। तो अब 7-8 साल लॉ करी है, तो उसका कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना लोगों का। वो एजुकेशन क्या काम की जो बस पढ़ो और फिर कुछ काम लाए, तो इससे अच्छा भी उसको अवेयरनेस करो, उसको पर्दे पे लाओ, तो जो कि हम कर भी रहे हैं, ठीक है। तो उसमें था कि भी डाइवोर्स क्यों नहीं लेना चाहिए, तो उसका पार्ट 2 भी बनाया था, ठीक है। अब देखो पार्ट 3 मुझे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। मैं बहुत परेशान हो लिया लोगों से, बार बार कमेंट करते हैं कि यार क्या ये डाइवोर्स क्यों ना लें। यार पहली बात तो ये बताओ आप, ठीक है, मतलब अगर तुम डाइवोर्स लेने वाले बन रहे हो, ठीक है, मतलब देखना अपना रियलिटी समझो यार। एक होता है फैक्ट, एक होता है रियलिटी, ठीक है, एक होता है ट्रस्ट। तो अपना फैक्ट को समझो यार, अगर तुम्हें डाइवोर्स लेना है, मान के चलो, ठीक है, सपोज मैं हूँ, मुझे डाइवोर्स लेना है, मान के चलो, ठीक है, तो मैं डाइवोर्स लूँगा ना जाके, तो मैं फालतू की वीडियो क्यों देखूँगा, कि जो वो वीडियो तो मैं बिल्कुल ना देखूँगा जिसमें ये बोल रहा हो डाइवोर्स क्यों ना लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्यों देखूँगा यार, मेरी मन की इच्छा है तो मेरे को लेना है तो मैं लेना है, फिर मैं वीडियो क्यों देखूँगा। तो पहली बात तो अगर जिसको लेना है तो वो लेगा ही ना, ठीक है। और ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी, अब हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है। वो एक आम आदमी के लिए थी कि यार जो लोगों को समझ में आ जाए, थोड़ा फाइनेंशियल प्रूफ, मतलब उसको दिमाग सा बताया था कि यार एक दिमाग लगाओ आप, ठीक है, आपका खर्चा होगा, कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, और लोगों को समझ में भी आ गई। ऐसी बात नहीं है समझ में नहीं आई, वो मेजोरिटी को समझ में आई है, आ भी गई है। ये मैं उनको उनके लिए बना रहा हूँ जो ना माइनॉरिटी होते हैं ना, जो एक दो छोटे मोटे होते हैं और फिर वो बक बक करते हैं पीछे से, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो देखो आज वाइफ को भी बुरा लगे, हस्बैंड को भी बुरा लगे, लेकिन आज हम अपने अंदर का सुप्रीम कोर्ट जगाएंगे, ठीक है, आपको रियलिटी बताएंगे, डाइवोर्स क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने न्यू वीयर हो, आपने देखना है तो पुराने पार्ट देखना है, तो डाइवोर्स क्यों नहीं लेना चाहिए ऐसे करके, और ऐसे ही पार्ट 2 करके वीडियो होगी, प्लेलिस्ट में चले जाओ आप, वहाँ जाके चेक कर लो, ठीक है। अब हम रियलिटी बताएंगे आपको डाइवोर्सेज की, क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सपोज एक गर्ल है, मैं आपको मुंबई के माहौल बताता हूँ, मुंबई में बड़े बड़े मेट्रोपोलिटियन में कैसा होता है, ठीक है, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ ना यार ये ना शादी शुदी ना धंधा हो गया है, ठीक है, धंधा। अब ना आप गौर से समझना, गौर से फिर ना उसको वो करना यार, इम्प्लीमेंट करके देखना, इमेजिन करना कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक गर्ल है, कोई भी एक लड़की है, ठीक है, वो एक पर्सन से शादी करती है, ठीक है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, उसकी मतलब 22-23 साल उम्र है, ठीक है, और उसकी ना बहुत उम्र पड़ी है, यानी कि वो यंग है, ठीक है, मतलब वो 3-4 शादी अपनी ज़िंदगी में, 3-4 तो नहीं, 5-6 शादी कर सकती है, ठीक है, और वो हिंदू फैमिली से ही बिलोंग करती है। तो वो क्या करती है, किसी फैमिली से शादी करती है, किसी हस्बैंड से शादी करती है, ठीक है, शादी की, एक साल टिकी, सब कुछ जो भी होना था हुआ, ठीक है, एक साल में उसका मन भर गया, मान के चलो, तो उसने डाइवोर्स ले लिया, ठीक है, डाइवोर्स अप्लाई किया, तो हस्बैंड भी तंग आ गया था, तो हस्बैंड भी बोल देता है हाँ भी, मतलब उसको डाइवोर्स मिल गया, मेंटेनेंस के तौर पे उसको 15-20 लाख रुपए मिल गए, ठीक है, मान के चलो, मतलब केस के फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको, अब समझना, ठीक है, रियल गहराई को समझना, बात की ना गहराई में जाना, लंबाई में नहीं। तो 15-20 लाख रुपये मिल गए, ठीक है, डाइवोर्स मिल गया, ठीक है, 90 दिन का टाइम भी निकल गया, जो भी अपील अपील सब हो गया, फ्री होगी लड़की, पैसे मिल गए, ठीक है। वो दूसरे शहर जाती है, मान लो वो जाती है फिर दिल्ली आ जाती है, ठीक है, तो दिल्ली में फिर वो यही सीन करती है, वो शादी करती है, ठीक है, एक साल निकालती है, ठीक है, और फिर वही सीन होता है, वहाँ से भी फिर पैसे पोसे लेके वो जाती है, ठीक है, फिर वो डाइवोर्स लेती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि भाई उसको पहले मेंटेनेंस मिल गया तो अब इससे क्यों ले रही है। भाई उसने मेंटेनेंस मिल गया, ठीक है, ठीक है, अब वो वाइफ दूसरे की हो गई, अब वो वाला केस हो गया, वो पत्नी हो गई, ठीक है, तो डाइवोर्स लेगी तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, कोर्ट मना नहीं कर सकती, और कोर्ट ये भी नहीं बोलेगी कि भाई तूने पहले पति से लिया है या ये है वो है। अरे तुझे क्या लेना पहले पति से, तेरे पे तो मैटर अब आया ना, तो तू अब डील करना, ठीक है।
तो उससे भी वो मेंटेनेंस उसने मान लो ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब कोर्ट मना नहीं कर सकती एज ए वाइफ, उसकी वाइफ है भाई, ठीक है। तो फिर वो थर्ड तीसरे शहर में जाती है, यानी कि ना वो ऐसे ही करती है, वो 15-20 ऐसे ही करती है, उसके बाद अच्छा करोड़ों का रेवेन्यू हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये तो धंधा बन गया ना, ठीक है, ये तो धंधा बन गया भाई, पैसे कमाने का ये तो, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ डाइवोर्स ना लीजिए, ठीक है, इनका तो बिजनेस है, ये तो बिजनेस बना देंगे। अब आप कहोगे यार ये बिजनेस बोल रहे हो मेंटेनेंस को, ठीक है, देखो वो अलग बात करेंगे इमोशनल वाली, आज हमारे अंदर का सुप्रीम कोर्ट जागने दो, ठीक है। तो रिप्लाई यही है उस वीडियो का, तो ऐसे कोर्ट मना नहीं कर सकता, ठीक है। वो कितना भी मेंटेनेंस ले, कितने भी शादी करे, कितने भी कुछ करे, वो कोर्ट ये नहीं बोल सकता तूने पहले पति से किया है तो तुझे मिल तो गया डाइवोर्स, अब इससे क्या ले रहा है। अरे बात तो इससे, शादी तो इससे अबोर की है ना, एक साल तो मैंने काट लिया, वाइफ तो यही बोलेगी ना भाई। और लॉ तो यही कहता है ना कि अगर वाइफ है और वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल है, अगर वो जॉब वॉब ना करती हो तो कोर्ट थोड़ी मना करेगा, कोर्ट तो मना ही नहीं कर सकता, क्यों, वो डिफेंस रखेंगी कि भाई आप थोड़ी मना कर सकते हो, और आपको क्या लेना, आपकी प्रेजेंट कंडीशन देखो ना, समझ रहे हो ना। तो ये था, अब लोगों को समझ में नहीं आ रही डाइवोर्स डाइवोर्स भाई क्यों ना लें डाइवोर्स। अरे इतने ही डाइवोर्स लेने वाले बन रहे तो भाई ले ला के चिल करो, हैं, दूसरी शादी करके चिल करो, पार्टी वार्टी दो हमें भी दो, हैं, हमें भी कहो कि हाँ भाई डाइवोर्स हो गया, देख गरीब हमारा डाइवोर्स हो गया, तू कहता था डाइवोर्स नहीं होता, ये है वो है, हम भी चिल करें, हम भी थोड़ी तुम्हारी खुशी वो कर लें। लेकिन नहीं नहीं, कमेंट करे जा रहे हैं पता नहीं क्या, डाइवोर्स क्यों नहीं लेना चाहिए भाई, पागल हो गया है, वाइफ परेशान करती है। यार एक बात बताओ, कभी आपने रोल्स रोल्स सुनी है गाड़ी, उसका कभी टीवी पे ऐड आता है, नहीं आता ना। और जिसको वो खरीदनी होगी ना, वो टीवी पे देख के ऐड मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेगा उसकी ऐड। तो फिर सिमिलरली आप, अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आप एक अच्छा सा महंगा सा, ठीक है, बढ़िया सा वकील करो, उसको पैसे वैसे दो, डाइवोर्स लो, मतलब वो ये ना, तो खड़े तो तुम चम्मच लेके हो और मांगते इतना इतना हो कि भाई डाइवोर्स मिल जाए, ये मिल जाए। तो मैंने आपको उस दिन ये समझाया था भाई डाइवोर्स इससे नहीं मिलता इतनी जल्दी, क्योंकि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होता है, कोर्ट है वो, ये है वो, वगैरह वगैरह, ठीक है। और पहले पता है क्या होता यार, डाइवोर्स का ना पहले एक सीन होता था, आज से 1995 का एक्ट है आपको भी पता है, अब आज चल रहा है 2020, तो फ़र्क होता है। पहले डाइवोर्स क्यों लेते थे, शादी करने के लिए, ठीक है, दूसरी शादी करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए किसी का अफेयर चल रहा है तो वो अफेयर को लीगल करने के लिए शादी करते थे कि भाई इससे मेरी बन नहीं रही है, जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ उससे मैं शादी करूँगा, तो वो डाइवोर्स लेते थे और शादी करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या, अब धंधा बन गया है, ठीक है, अब तो वकील भी क्या करते हैं कि भाई इतना मेंटेनेंस आपको दिलवाएंगे तो हमारा इतना प्रतिशत होना चाहिए, ये है वो है, ठीक है, सारा कुछ, समझ रहे ना, राजनीति। लेकिन कुछ गधों को और इसकी फीमेल वर्जन को समझ में ही नहीं आ रही बात, लिखे जा रहे हैं क्या हो गया डाइवर्स, अरे इतना ही डाइवोर्स लेना वाना बन रहे हो तो जाओ ना भाई, अपना कोई डाइवोर्स लीजिए, अपना केस फाइल कीजिए, ग्राउंड स्पेस कीजिए, प्रूफ इकट्ठा कीजिए, क्यों यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे भाई, ग्राउंड प्रूफ कीजिए, कोर्ट में जाओ, वकील से बात करो, सबूत इकट्ठे करो, तुम्हारी ड्यूटी तो ये ना, सबूत इकट्ठे करो, अपने आप की प्रिपरेशन करो, कोर्ट में क्या बोलना है वो करो ना, क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो, ठीक है। और कोई दिक्कत हो अपनी क्वेरी लिख दो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अगर इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स होगा, पे करो, कॉल करो, चिल करो, ठीक है, नथिंग एल्स। और नॉमिनियल फीस है यार, इतनी भी नहीं है, पता नहीं क्या पागल हो जा रहे हैं लोग, सोचते हैं इतनी फीस मांगते हैं, सबको पैसे से मतलब है, अरे पैसे से ही मतलब होता ना तो यार इतनी फीस नहीं होती, और ये लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है, यानी कि हमेशा इतनी ही रहेगी, 99 rupees फॉर हाफ आवर, ठीक है। पे करो, कॉल करो इंस्टेंट रिलीफ के लिए। अगर आप पे नहीं कर सकते या फिर आपकी कंडीशन, आप भी मेरी तरह गरीब हो, तो आप इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरी लिख सकते हो। इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो गरीब अकबर ही है, हर चीज़ गरीब अकबर के नाम से ही है, ठीक है, क्लियर। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो चिल करो, डाइवर्स वाइवर्स छोड़ो, एक बार और बता दूँ मैं आपको, डाइवर्स वाइवर्स छोड़ो यार, अपील वपील का चक्कर पड़ता है। अगर आपको म्यूचुअल डाइवर्स चाहिए तो भाई बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जाओ। अगर आपको कंटेस्टेड डाइवर्स चाहिए कि एक पार्टी मान रही है एक पार्टी नहीं मान रही, तो यार टाइम वेस्ट करोगे आप, ठीक है, कुछ नहीं होगा। और एक बात और, पहले, हाँ पहले ज़माने की मैं बात कर रहा था, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि ना, मतलब डाइवोर्स इसलिए लेते थे कि हाँ उसको किसी से अफेयर है तो उसको शादी फुलफ़िल करने के लिए भी, इससे बन नहीं रही है तो शादी दूसरी शादी करने के लिए। लेकिन अब क्या है भाई, अफेयर अलाउड हो गया है, ठीक है। अगर आपको डाइवोर्स नहीं मिलता ना, तो जो आपका पार्टनर है वो तब भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, और आप मना भी नहीं कर सकते, क्यों, 497 हट गया है, अडल्ट्री एक वो बन गया है, ठीक है, अडल्ट्री कर सकते हो आप, यानी कि अफेयर अलाउड है सरल शब्दों में गए तो। चक्कर चलाना,
बट जो भी होता है वो अलाउड है, आप किसी को पनिशमेंट नहीं करवा सकते. ओके, बट छोटा मोटा कोर्ट तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. ठीक है, तो अब समझदारी किस में है आप देख लो. ठीक है, डाइवोर्स लो, भाई लेने वाला बन रहा हो मतलब है आपकी कंडीशन है तो लो, अदरवाइज आपकी वाइफ डेली तंग करती है, हस्बैंड तंग करता है, तो भाई मत लो. ठीक है, सीधी बात, चलिए.